मार्कर, इन चीजों को हम बचपन से यूज करते आए हैं, भले ही बोर्ड पर लिखने के लिए या बुक में कुछ मार्क करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है एक और चीज होती है जिसको हम जेनेटिक मार्कर कहते हैं, वो हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक मार्कर के बारे में। जेनेटिक मार्कर सबसे पहली बात है, होते ही क्यों है? जेनेटिक मार्कर्स ऐसे मार्कर्स हैं जो कि दो ऑर्गेनिजम्स में या फिर डिफरेंट स्पीशीज में फर्क बता सकते हैं, उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में और स्पीशीज के बीच में। किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। अगर हम जेनेटिक मार्कर देखें तो जेनेटिक मार्कर तीन तरीके के होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, एक होता है बायोकेमिकल और तीसरा होता है मॉलिकुलर मार्कर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल मार्कर से। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर ऐसे मार्कर हैं जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आपके सामने दो ऑर्गेनिजम्स लाके रख दूं तो आप उनको देख के बता सकते हो कि हाँ ये तो डिफरेंट है। तो इनको मॉर्फोलॉजिकल मार्कर कहते हैं, यानी कि ऐसे जो फिजियोलॉजिकल ट्रेट या करेक्टर से हम देख सकते हैं, जैसे कि फ्लावर कलर। अब एक फ्लावर रेड कलर का, एक फ्लावर येलो कलर का, आप देख के बता सकते हैं ना कि हाँ भाई ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है या फिर ये डिफरेंट स्पीशीज है। ऐसे ही सीड शेप को भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स ऐसे मार्कर्स हैं जो हमें विजुअली प्रेजेंट होते हैं, हम विजुअली उनको देख सकते हैं। दूसरा होता है बायोकेमिकल मार्कर्स। बायोकेमिकल मार्कर्स में हम यहाँ पे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स को देखते हैं। कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पर आइसो एंजाइम्स को देखते हैं। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स में ही आइसो एंजाइम्स आते हैं जो सेम फंक्शन कर रहे हैं, जो रिएक्शन सेम करते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, रिएक्शन करना। तो वो रिएक्शन तो सेम कर रहे हैं लेकिन उनमें अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ऐसे को हम आइसो एंजाइम कहते हैं। तो बायोकेमिकल में बेसिकली हम क्या देखते हैं, वेरिएशन इन अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स में वेरिएशन देखते हैं। आइसो एंजाइम्स के हम एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि परोक्सीडेज, एसिड फॉस्फेटेज। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या यहाँ पर अमाइनो एसिड में वेरिएशन है या प्रोटीन में वेरिएशन है। वही तीसरा जो मार्कर आता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। मॉलिक्यूलर मार्कर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम में भी स्पेसिफिकली कहाँ प्रेजेंट है, नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें क्रोमोसोम जिसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो ऐसा हिस्सा यहाँ पर कोडिंग हिस्सा क्या होता है, कोडिंग हिस्सा एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे हम एमआरएनए बना सकते हैं या फिर जिससे हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग हिस्सा बोलते हैं। नॉन कोडिंग रीजन ऐसा रीजन है जिससे मैं यहाँ पे कोई एमआरएनए नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं बना रही हूँ, तो इन हिस्से को हम नॉन कोडिंग हिस्सा बोलते हैं। तो ये नॉन कोडिंग हिस्सा क्या है, मॉलिक्यूलर मार्कर है। कहने का मतलब है कि इनको यूज करके मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकती हूँ एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। है क्या है, तो बेसिकली ये डीएनए सीक्वेंस ही होते, तो एक्चुअली ये डीएनए सीक्वेंस ही है जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बस इनको हम मॉलिक्यूलर मार्कर कह रहे हैं क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ एक को दूसरे के साथ, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए यूज कर सकती हूँ स्पीशीज को। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर मार्कर में फॉर्म में होती कैसे है, मतलब कैसे यहाँ पर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका मॉलिक्यूलर मार्कर थोड़ा सा अलग है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का अलग है। सेम विद स्पीशीज, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। जैसे कि एक हम लेकर चलते हैं VNTR। VNTR का मतलब क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि समझो मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म में ये जो है ये पांच बार रिपीट हो रहा है, ये सीक्वेंस पांच बार रिपीट हो रहा है। समझो मेरे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस था ATGCGTT, ऐसा एक सीक्वेंस था। ये इस ऑर्गेनिज्म में मैंने कहा कि पांच बार रिपीट हो रहा है, फाइव टाइम्स रिपीट हो रहा है। वही दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कितनी बार रिपीट हो रहा है, तीन बार रिपीट हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, कि एक सीक्वेंस है एक ऑर्गेनिज्म में अलग रिपीट होते हैं अलग नंबर में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग नंबर में रिपीट्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर आ सकता है इंसर्शन, कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं उनमें इंसर्शन हो गया, एक ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से हो गया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से इंसर्शन हो गया। इंसर्शन मतलब कि कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आके ऐड हो गए, या फिर पॉइंट म्यूटेशन हो गया कि भाई यहाँ पर कुछ तो था जी प्रेजेंट था, जी की जगह यहाँ पे समझो सी आ गया, तो उनका यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स में थोड़ा चेंज हो गया, इसकी वजह से भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स है वो। नेक्स्ट आता है डिलीशन। डिलीशन में यहाँ पर क्या है कि कुछ जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स में से सीक्वेंस था वो डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से भी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से मार्कर अलग हो चुका है।
तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें आती है मॉलिक्यूलर मार्कर में। हमने ये जान लिया कि मॉलिक्यूलर मार्कर हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते क्यों हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर है ये होते कितने तरीके के। तो मॉलिक्यूलर मार्कर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोडोमिनेंट और एक होता है डोमिनेंट। एक एक करके समझते हैं। कोडोमिनेंट में हमने देखा है कि ये हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकता है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, समझे, यहाँ पर मेरे पास एक जीन है तो जीन के ही यहाँ पे जो दो फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं एलील्स। कहने का मतलब है ये जीन जो है मुझे हाइट के बारे में बताता है कि यहाँ पर हमारी हाइट कितनी होगी। तो मैंने कहा अगर कैपिटल ए आ गया तो टॉल हाइट होगी और स्मॉल ए आ गया तो कैसी हाइट होगी, ड्वार्फ हाइट होगी। तो इस हाइट के ही दो फॉर्म्स हैं ये, तो ऐसे जीन के भी दो फॉर्म को हम एलील कहते हैं। अब ये कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अगर सेम सेम होता है तो हम उसको होमोजाइगस कहते हैं और डिफरेंट होता है तो इसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि पेरेंट वन था और पेरेंट टू था। पेरेंट वन के पास था कैपिटल ए और पेरेंट टू के पास था स्मॉल ए। जब इनका बच्चा हुआ तो इनका बच्चा हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही मार्कर के मैं बैंड देख पा रही हूँ, कैपिटल ए का बैंड भी मैं देख पा रही हूँ, स्मॉल ए का बैंड भी मैं देख पा रही हूँ। तो इस कंडीशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, कोडोमिनेंट, कि भाई दोनों डोमिनेंट है, दोनों जो मार्कर है वो मुझे यहाँ पर बैंड दिखा रहे हैं। तो ये हो गया कोडोमिनेंट। इस कंडीशन में आता है आरएफएलपी, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, एसएसआर, ये सारे के सारे यहाँ पर इस कंडीशन के एग्जांपल में आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें डोमिनेंट कंडीशन में, तो डोमिनेंट कंडीशन में क्या होगा, या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा बैंड या फिर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि डोमिनेंट जो मार्कर होते हैं वो हमें डिफरेंस नहीं बता पाएंगे हेटेरोजाइगस का। कहने का मतलब यह, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे P1 में कैपिटल M था, इसका मुझे मार्कर मिला। P2 में यहाँ पर स्मॉल M का मुझे कोई बैंड नहीं मिला। और F1 में यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल M था, इसका मुझे एक बैंड मिला। तो यहाँ पर आप देखो जो ये बच्चा है उसमें जो ये बैंड आया वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से ही आया। मतलब ये जो बच्चे का बैंडिंग है वो एक पेरेंट के बैंडिंग से सेम है, दूसरे पेरेंट के बैंडिंग से कुछ सेम नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम डोमिनेंट कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो एक है वो डोमिनेंट हो चुका है, एक अलील यहाँ पर क्या हो चुका है, डोमिनेंट हो चुका है एक मार्कर। इसी की वजह से सिर्फ यहाँ पर एक ही बैंड आ रहा है, दूसरे वाले अलील का हमें बैंड ही नहीं दिख रहा। तो इस वजह से हम यहाँ पे एलीलिक वेरिएशन भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस ही नहीं बता सकते। आप कैसे बताओगे कि इन दोनों में से कौन सा कैपिटल एम के साथ और कौन सा यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ है, हम बता ही नहीं पाएंगे। तो डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट में यहाँ पर जो बच्चे के बैंड होते हैं वो एक ही पेरेंट के जैसे होते हैं, एक पेरेंट से सिमिलर होते हैं, तो इस कंडीशन को हम डोमिनेंट कहते हैं। और ये हेटेरोजाइगस के बारे में डिफरेंस नहीं बता सकता। इसमें कौन आते हैं, आरएपीडी, एएफएलपी और आईएसएसआर आते हैं। उम्मीद करती हूँ गाइज आपको जेनेटिक मार्कर समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।